क्लास तर्जमतुल कुरान की जो न्यू बुक है। तो बच्चों आज के आज इस चैप्टर सूरत फजर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज का है। पहला है, सूरत फजर में किस्म बयान फरमाई गई है सुबह के वक्त की। सूरत फजर के शुरू में किस्में बयान की गई हैं किसकी? अक्लमंदों के लिए। इसके बाद है, सूरत फजर के मुताबिक आखिरत पर ईमान ना रखने वाले मुब्तला हो जाते हैं बुरे कामों में। कौम आद का दूसरा नाम क्या है? कौम अरहम, अरम, कौम अरम। सूरत फजर में मीखों वाला कहा गया है किसको? फिरौन को। इसके बाद एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है आपने। ये यहाँ पे मुख्तसर सवालात का जवाब, ये गलती से लिखा गया, दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब ये थे एमसीक्यूज, ये हैं मुख्तसर सवालात। तो पहला है, सूरत फजर की वजह तस्मिया तहरीर करें। तो इसका आंसर है ये वाला, ये पहली दो लाइनें। फजर का मायनी है सुबह या फजर। इस सूरत की पहली आयत में फजर के वक्त की किस्म बयान की गई है, इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत फजर है। इसके बाद जो दूसरा है, सूरत फजर का मरकजी मजमून क्या है? सूरत फजर का मरकजी मजमून पिछली को कौमों और आखरत के तस्करे के जरिए से किरदार साजी है। तो इस दूसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक। और तीसरा जो क्वेश्चन है ये है, सूरत फजर में इंसान की क्या कमजोरी बयान की गई है? तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ये बुक का पेज नंबर 59, यहाँ पे ये पहली लाइन, इंसान की कमजोरी का बयान है कि वो नेमतों पर खुश हो जाता है और तंगदस्ती पर उदास और परेशान हो जाता है। तो इसका ये आंसर आपने कर लेना है। तो इसके साथ ही ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। दुरुस्त, यहाँ पे भी दुरुस्त जवाब का इंतखाब लिखा गया, बल्कि यहाँ पर है तफसीली सवालात के जवाब दें। यहाँ पे ये लाइन आएगी, सूरत फजर का तआरुफ और मकसद नज़ूल। तो तआरुफ और मकसद नज़ूल में सबसे पहले आपने ये बताना है, सूरत फजर एक मक्की सूरत है जिसकी आयात 30 हैं, रुकू 1 है। और इसके बाद आपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ कर लेना है इसमें। और जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये है, सूरत फजर के बुनियादी मजामीन और अहम इल्मी नुकात। तो इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर ये, बुनियादी मजामीन और अहम इल्मी नुकात, यहाँ से लेकर ये वाला टॉपिक इसमें पूरा भी कर सकते हैं, अपने आसानी से अपनी वर्डिंग में शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने इसको, दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को कर लेना है। तो इसके साथ ही इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगली जो सूरत है उसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपको करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।